फ्रेंड्स वेलकम बैक टू फूड्स फिटनेस। आज આપણે બનાવીશું મિક્સર, બ્લેન્ડર કે કોઈ પણ પ્રકારના જ્યુસર કે પછી કેરીની છાલ કાઢવાની ઝંઝટ વગર ત્રણ નવી રીતે કેરીનો રસ। આ રીતે તમે કેરીનો રસ તૈયાર કરશો તો રસમાં કુદરતી મીઠાશ જળવાઈ રહેશે, સાથે કોઈ પણ પ્રકારના મશીનના ઉપયોગ કર્યા વગર તમે રસ બનાવ્યો હશે તો કેરીના બધા જ પોષક તત્વો પણ જળવાઈ રહેશે અને તમે જરા પણ એવું ના માનતા કે આનાથી રસ સારો નહીં બને। રસ એકદમ સરસ જ્યુસર મશીન કે બ્લેન્ડરમાં કાઢ્યો હોય ને એના કરતાં પણ ઘાટો અને સ્વાદમાં ખૂબ જ ટેસ્ટી બનશે। તો આજે હું રસ બનાવવા માટેની ત્રણ રીત તમારી સાથે શેર કરી રહી છું, એમાં તમને કઈ રીત વધારે ગમે એ મને કમેન્ટમાં જરૂરથી કહેજો અને એકવાર આ રીતે રસ બનાવીને જરૂર ટ્રાય કરજો। તો ચાલો રેસીપીને શરૂ કરીએ। रेसिपी गमे तो विडियो ने लाइक करजो और वधारे में वधारे शेर करजो। तो हवे सौथी पहला मिक्सर, ब्लेंडर के ज्यूसर ना उपयोग वगर केरीनी छाल उतार्या वगर एकदम नवी रीते कोईपण जातना मशीननी झंझट वगर आज आपणे केरीनो रस बनाववाना छीए। आ विडियो शुरू करता पहला हूँ तमने एक रिक्वेस्ट करीश कि तमे विडियो ने जरा पण स्कीप ना करता अने आ रीते एक वार केरीनो रस बनावीने जरूर ट्राय करजो। હવે આપણે આજે કેરીનો રસ બનાવવા માટે કેરીની છાલ નથી કાઢવાના, એટલે સૌથી પહેલું કામ આપણે કેરીને ખૂબ જ સારી રીતે વોશ કરવાનું છે। એકદમ સરસ આપણે ઘસી હાથથી આ રીતે પાણી ઉમેરતા જવાનું અને કેરીને ઘસીને કેરીને સારી રીતે ધોઈ લેવાની। આ પ્રોસેસ આ રીતે રસ બનાવવા માટે ખૂબ જ જરૂરી છે। तो अहीं तमे जो मैं एक केरी ने एकदम सारी रीते धोईने साफ करी लीधी। तो बिल्कुल आज रीते आपणे पहला बधी ज केरीओने धोई लेशुं। तो अहीं तमे जोई शको छो मैं एकदम सारी रीते बधी ज केरीओने धोई अने साफ करी लीधी छे। हवे रस बनाववा माटे सौथी पहेला आ जे उपरनो केरीनो भाग होय एने आपणे थोड़ो एवो काढी लेशुं अने केरीने त्रण भागमां डिवाइड करी देशुं। तो केरीने उपरथी कट करता करता छेक गोठलानो भाग आवे त्यां सुधी आपणे आ रीते केरीनी बे स्लाइसने कट करी लेवानी अने जे केरीनो गोठला अने एनी बंने जे साइडनो भाग होय एनी उपरथी आपणे पल्प नथी काढवानो, फक्त आ रीते छाल काढी लेवानी। तो एकदम इजीली एनी जे छाल छे ए नीकळी जवानी छे। तमे जो हूँ हाथथी करूं छुं तो पण एनी छाल सारी रीते नीकळी जाय छे। तो एक केरीने ऊभी स्लाइसमां ए रीते मैं त्रण भागमां डिवाइड करी दीधी। तो बधी ज केरीने पहला आपणे आ रीते समारी लेशुं। तो आपणे नॉर्मली जे मिक्सर के ब्लेंडरमां रस बनावता होईए एना माटे आपणे केरीनी छाल काढता होईए, केरीना टुकड़ा करीए अने पछी आपणे रस बनावीए अने ए जे रस आपणे मशीनमां बनाव्यो होय एमां केरीना पोषक तत्वो पण जता रहेता होय छे। तो आ रीते जो तमे रस बनावशो तो खूब ज मीठो अने टेस्टी एवो रस तैयार थशे। हवे तमे जो मैं बधी ज केरीने कट करी लीधी। रस बनाववा माटे आपणे एक मोटी साइजनुं बाउल लेशुं अने सौथी पहली रीत हूँ तमने जे बतावुं छुं ए गणानी छे। तो आपणे बधा पासे सूप गाळवानो गणो तो होय ज छे। तो बस गणाने आ रीते राखी देवानो अने एना उपर हळवे हाथे आ रीते आपणे केरीने खमणी लेवानी अथवा तो हळवे हाथे आ रीते आपणे केरीने चाणा के गणा साथे आ रीते खमणवानी, जेथी एकदम सारी रीते केरीना जे रेसा हशे ए उपरनी बाजू रही जशे अने जे स्मूथ केरीनो पल्पी रस छे ए बधो नीचे आवी जशे। अने आ रीते तमे जे रस बनावो छो एमां जरा पण तमारी केरी वेस्ट नथी जती, छेक छाल सुधी बधो ज केरीनो जे पल्प छे ए आमां आवी जाय छे। तो तमे जो एकदम सहेली रीत छे। आ रीते तमे एकवार रस जरूर ट्राय करजो। तमे जो आ रीते मैं सरस बधो केरीनो पल्प काढी अने आ रीते केरीनो रस अलग करी दीधो छे। तो तमे जो एकदम सहेली रीत छे ने। हवे हूँ तमने बतावीश बीजी रीत। आ रीते जो तमारे गणाथी रस नथी काढवो अथवा तमारी पासे गणो नथी तो आपणा बधाना घरमां खमणी तो होय ज। तो तमारे कोशिश करवानी के तमे जो खमणी थी रस बनावता होय तो ए खमणी थोड़ा आ रीते नाना होलवाळी होय, जेथी आपणो रस छे ने ए एकदम सरस स्मूथ बने। तो जेम आपणे गणामां कर्युं बिल्कुल ए ज रीते हळवे हाथे आ रीते खमणी साथे केरीने आपणे खमणता जशुं। तो लिक्विडी रसना फॉर्ममां एकदम सरस आपणी जे केरी छे ए बधी खमणीनी मददथी एकदम सरस रसमां कन्वर्ट थईने आपणो रस तैयार थई जशे। तो तमे जोई शको छो एकदम परफेक्ट एवी खमणीथी पण तमारो रस नीकळी जाय छे। क्यारेक लाइट गई होय त्यारे पण आपणे रस बनावी नथी शकता तो तमे आ रीते एकदम सहेली रीते रसने तैयार करी शको छो। હવે જો તમારે રસને ખમણીથી પણ નથી બનાવવો તો એકદમ સહેલી અને ફટાફટ રસ બની જાય એવી હું તમને ત્રીજી રીત પણ શેર કરું છું। ત્રીજી રીતમાં આપણે યુઝ કરવાના છીએ ચાણો। આપણા બધાના ઘરમાં ઘઉં કે ચોખા ચાળવાનો ચાણો તો હોય જ છે અને ચાણાથી તમે જ્યારે રસ કાઢો છો ત્યારે એકદમ ફટાફટ એ રસ નીકળીને તૈયાર થઈ જાય છે। પણ આપણે જે આગળ બે રીત જોઈ એના કરતાં ચાણાથી તમે જે રસ કાઢો ને એ થોડો વધારે પલ્પી બને। તો જો તમને પલ્પી એટલે કે કેરીના પલ્પવાળો રસ ભાવતો હોય તો તમે રસને ચાણાથી કાઢી શકો છો। ચાણાથી પણ એકદમ સહેલી અને ખૂબ જ ઇઝી રીતે જરા પણ કેરી વેસ્ટ થયા વગર રસ નીકળી જશે। ગોટલા પણ સારી રીતે ઘસાય અને બધો કેરીનો પલ્પ ગોટલામાંથી પણ અલગ થઈ જશે। अच्छा, आज केरीना गोटला होय एमांथी खूब ज सरस गोटलीनो मुखवास बने छे। तो मैं 3 अलग अलग रीते गोटलीनो मुखवास केम बनावो ए रीत शेर करेली छे। लिंक हूँ तमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पण आपी दईश। हवे तमे जो एकदम स्मूथ अने सुपर एवो आपणो रस तैयार थयो छे। आमां आपणे कोई पण जातनी शुगर पण एड नथी करी। कुदरती मीठास साथे अने केरीना पोषक तत्वो बधा ज जळवाई रहे ए रीते केरीनो रस तैयार छे। आ रस ने 1 कलाक जेवो फ्रीज में मूकी दो जेथी रस एकदम सारी रीते ठंडो थई जाय अने पछी बस घरना सभ्यों ने के मेहमानों ने आ रीते तैयार करेलो रस सर्व करो। बधा ज तमारा घर में वखाण करशे अने बधा ज पूछशे के आजे आ रस केवी रीते बनाव्यो। तो हवे ठंडो ठंडो रस आपणे सर्विंग बाउल में काढी लेशुं। तमे एकवार आ रीते केरीनो रस जरूर बनावजो। अने हाँ, मैं तमने जे 3 रीत बतावी एमांथी तमने कई रीत वधु गमी ए पण मने कमेंट में जरूरथी कहेजो। मने तमारी कमेंट्स वाँचवी खूब ज गमे छे तो कमेंट जरूरथी करजो। अने हूँ पर्सनली तमने सजेस्ट करीश के तमे एकवार आ रीते केरीनो रस बनावीने जरूर ट्राय करजो। अने जो तमने आ रीत गमी होय तो रेसिपीने लाइक करी वधारेमां वधारे शेर करजो। तो फरी मळीशुं एक नवी रेसिपी साथे। त्यां सुधी थैंक्स फॉर वॉचिंग।